XUV700O की स्पेशल मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसका बेस मॉडल आता है भाई AX5, उसकी आपको कंप्लीट मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। बेस टू टॉप का कन्वर्जन कैसे होता है, कितने रेट में होता है, क्या चीज लगती है क्या नहीं लगता, LED की स्टार्टिंग कितने से हो रही है, 3500 से स्टार्ट हो जाती है, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी वाली आती है, देख रहे हो भाई ये जो है कंप्लीट लुक रहने वाली है। भी आप देख सकते हो प्रॉपर H2H फिनिश रहने वाला, कहीं से गैप नहीं रहने वाला, बिल्कुल सबसे बढ़िया चीज तो भाई ये रहने वाली है, कहीं से गैप नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल ये देख रहे हो भाई आप, देखो फिटमेंट कितनी प्रॉपर और क्लियर आपको विजुअल रहने वाली है इसकी। तो बम्पर पट्टा बोलते हैं जिसको, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाता है, ये भी सेटिन सिल्वर में आता है, बिल्कुल। और इस पे फायदा क्या है भाई, जब सामान रखोगे ना डिग्गी में, रखते हो या उतार दो, तो इस पे पेंट खराब नहीं होता, स्क्रैच नहीं आएगा, बिल्कुल पेंट खराब नहीं होगा इसका। सीट कवर की लुक्स कैसी निकल रही है, बिल्कुल ही लग्जरी लुक्स है, जो कि आपको इसमें पंचिंग के साथ मिलती है, इसमें आपको पसीना नहीं आएगा, बीच में परफोरेशन मिल जाता, बाकी फुल्ली ऑफ व्हाइट सीट तो रहने वाला, लाइफ टाइम की गारंटी रहने वाला। तो जी राम राम मेरे सभी भाइयों को, आज मैं हूं भाई ऑटो मैजिक पर, जो कि रहने वाला करोल बाग में। ये आप देख रहे हैं XUV700 रहने वाली है अपने सामने, और इसकी पूरी डिटेल जाननी है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, और ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको XUV700 की स्पेशल मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं, जो कि इसका बेस मॉडल आता है भाई AX5, उसकी आपको कंप्लीट मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। बेस टू टॉप का कन्वर्जन कैसे होता है, कितने रेट में होता है, क्या चीज लगती है क्या नहीं लगता, और इसमें एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, जो आपको काम देख के करवाना है, वायर कटिंग ना हो वो भी चीज आपको बताऊंगा कि कैसे पकड़नी कैसे नहीं पकड़नी। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। आज अपने साथ है ऑटो मैजिक के ओनर, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। जितेश भाई हो आप? हाँ जी। बहुत सुना यार आपके बारे में, महिंद्रा की गाड़ी मॉडिफिकेशन क्या करते हो आप? हाँ। लाजवाब भाई। तो भाई XUV700 की बात कर लेते हो। हाँ जी, AX5 वेरिएंट आई है, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट मॉडल रहने वाला, ठीक है, इसके अंदर हम बेस टू टॉप कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट से बात करें, फ्रंट हेडलाइट में LED डाले, हैलोजन सेटअप आता है इसका, हाई बीम लो बीम दोनों में LED सेटअप डाला है। अरे वाह, देख रहे हो कितनी ब्राइट LED है, ये सामने देख सकते हो भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और इसकी अगर बात करते हैं कितने वोट की लाइट रहने वाली है, ये 180 वोट में रहने वाली है, 180 वोट में। तो अगर इसकी बात करते LED की स्टार्टिंग कितने से हो रही है, प्राइसिंग 3500 से स्टार्ट हो जाती है, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी वाली। वारंटी वगैरह क्या सीन रहता है इनका? 2 साल 1 साल ऐसे मिलता है वारंटी आपको, इससे जो हमने इसमें इंस्टॉल किया उसकी 2 साल की गारंटी, ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, अगर किसी को पकड़ना हो भाई वायर कटिंग वाला सीन, तो इसमें कोई वो चीज तो नहीं है वायर कटिंग वाली भाई, प्लग एंड प्ले सारा सिस्टम रहने वाला अपने पास, ऑटो होल्ड हो या MA लाइट हो या हेडलाइट लगाना हो या LED लगाना हो, सारा प्लग एंड प्ले होता है। उसके बाद दूसरी हमने लगाया इसमें अंदर M-Tech का डिफ्यूजर, ओके, ब्लैक पियानो और सिल्वर फिनिश के साथ आता है। तो भाई ये देख रहे हो आपको उठा उठा पॉइंट मिल जाता है, इंच मिल जाता है रेड कलर का, ठीक है, ये पूरा जो है उठा उठा आपका डिफ्यूजर रहने वाला भाई फ्रंट में। और इसकी फिटिंग भी देख सकते हो प्रॉपर फिट है, यानी कि कहीं से लगेगा बॉडी से बाहर है, ये प्रॉपर फिटिंग के साथ मिलेगा मेरे पास, ठीक है जी। और इसके साथ में अगर बात कर लेते हैं भाई गाड़ी में और क्या चेंजेस अभी हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अभी पूरी खुली हुई दिख रही है अपने को, बाहर से तो ये हुआ MS5 वेरिएंट, इसके अंदर फोग लाइट लगा हुआ आता है, जैसे आप MS लेके आते हो तो उसके अंदर फोग लाइट नहीं आता, वो भी अपने पास अवेलेबल मिल जाता है, सारा जेन्युइन पार्ट होता है। और अगर बात करें साइड में, साइड में व्हील पे दाढ़ी आई थी, इसके अंदर हमने 17 इंच अलॉय व्हील डाल दिया स्टोर टायर के अंदर, ठीक है। और ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं? प्राइमर लग रहा है, साइड बिटिंग इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर में क्या चेंजेस है भाई? इंटीरियर में अपना सीट तो रहने वाला, डोर पे बात करें सॉफ्ट टच किया हमने, प्रीमियम क्वालिटी सॉफ्ट टच रहने वाला, स्टिचिंग की क्वालिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद MA लाइट लगी है, ठीक है, सिक्स पीस सेटअप रहने वाला। नीचे आपको ना पूरी गाड़ी अभी खुली हुई दिख रही होगी, एक बार अभी गाड़ी का लुक देख लो, पूरी कंप्लीट होने के बाद कोई फिर से चेक कराऊंगा कैसी लगती है गाड़ी। उससे पहले अगर आपको मैं बताऊं भाई, इसमें महिंद्रा जनरल एक्सेसरी अगर आपको दिखाऊं, देखो डब्बे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे महिंद्रा जनरल एक्सेसरी के। और इसी के साथ में अगर बात करें भाई की शॉप आपको कहाँ पर दिखेगी, तो ये रही सामने ऑटो मैजिक कार डेकोर, इसके नीचे एक और महिंद्रा की स्कॉर्पियन मॉडिफिकेशन चल रही है। बाकी इसी के साथ में ना भाई पूरी कंप्लीट मॉडिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, तो वेट करना। बाकी सीट कवर का एक आपको दिखा दो, कैसा सीट कवर लग रहा है आज, तो ये वाला सीट कवर का अपना कलर जो है बन रहा है इसमें, आमरेश देखो इसका अलग से पड़ा है अपने पास, और आमरेश भी सेम बनेगा, सेम बन जाएगा, क्या बात है। एक बार आमरेश का दिखाते हैं आपको, यहाँ पर फिटिंग हो जाएगी, उससे पहले आप एक बार सीट कवर की लुक जो है चेक कर लो, ऐसा कुछ हमने डेमो जो है आपको दिखा दिया। बाकी कंप्लीट लुक आपको चेक कराऊंगा, टॉप मॉडल वाला जो सीट कवर था सेम वही सीट कवर है ये, आइस ग्रे वाला। बाकी लगने के बाद चेक करते कैसी लुक निकल रही है, 3, 2, 1 पे। तो भाई फाइनली अब गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, जो आपने पहले गाड़ी देखी थी ना भाई वो कुछ अलग था, लेकिन अभी जो आपको दिखाने वाले हैं ये आफ्टर मॉडिफिकेशन वीडियो रहने वाली है, और इसमें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या काम इस गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से, जो कि आपको किट दिखाई थी मैंने, उस किट पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। अभी ये काम ने कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसी कुछ लुक जो देने वाला है, और इसमें आपको ये देख रहे हो कैसे इसमें होल्ड के लिए ऑप्शन मिल जाता है रेड कलर में, तो इसमें आपको काफी मतलब एक टच और लुक इन्हेंस करने का फीचर मिल जाता है एक तरीके से डबल ओ में। बाकी इसका ना थोड़ा सा एक बार लाइट के साथ आपको व्यू दिखाते हैं, तो अभी आप यहाँ पर चेक करना भाई लुक कैसी बदल जाती है, देख रहे हो भाई
ये जो है कंप्लीट लुक रहने वाली है। आप देख सकते हो प्रॉपर एच टू एच फिनिश रहने वाला, कहीं से गैप नहीं रहने वाला। बिल्कुल, सबसे बढ़िया चीज तो भाई ये रहने वाली है, कहीं से गैप नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, ये देख रहे हो भाई, आप देखो फिटमेंट कितनी प्रॉपर और क्लियर आपको विजुअल रहने वाली है इसकी। और बात कर लेते हैं और क्या चेंजेस है भाई इसमें। इसके अंदर हेडलाइट के अंदर अपना हेलोजन सेटअप आया था, जिसके अंदर हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर एलईडी डाली है। ठीक है, एलईडी रिस्पॉन्स एक बार चेक करा देता हूं मैं आपको। जी बिल्कुल, सामने आप देख सकते हैं भाई लाइटिंग में भाई काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, देख सकते हैं आप कितनी दूर तक लाइट जा रही है और ये काफी ब्राइट रिस्पॉन्स है भाई इसका। कौन से ब्रांड की लाइट है ये? अपना अल्ट्रा ऑडियो रहने वाला है। ठीक है, डमी आता पर हमने इसको एक्टिव करते दिया। ओके 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 ओके, ठीक है जी। फोग लाइट का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, इतना आपको ज्यादा तेज लगेगा नहीं इन कंपेरिजन। नॉर्मल होता फोग लाइट का, ये देखो नॉर्मल फोग लाइट का रिस्पॉन्स चेक करो, ये ओनली फोग लाइट है, ओनली फोग लाइट। ये हेडलाइट होता आपका बिल्कुल कंबाइन करके काफी अच्छा निकल रहा है। हाँ, साइड प्रोफाइल में देखते हैं। साइड प्रोफाइल में 17 इंच अलॉय व्हील डाला स्टॉक टायर के अंदर। 18 चाहिए 18 भी मिल जाता लेकिन उसके लिए आपको टायर भी अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फुटरेस्ट की बात करें, ओएम फिनिशिंग के साथ अपना डाइजेस्ट कंपनी का फुटरेस्ट डाला है। 700 उसमें डाइजिंग मिल जाएगी, डाइजिंग मिल जाएगी यहां पे। खड़े होकर दिखाओ, मजबूत है ये? बिल्कुल भाई। अरे वाह, ठीक है जी। और उसके बाद दो साइड विडिंग, ठीक है, जेनमेंट रहने वाला अपना। उसके बाद बात करें विंडो थ्रोम, जो कंप्लीट 8 पीस सेटअप के साथ आता है। ठीक है, देख सकते हो भाई कितनी प्रीमियम फिनिश है इसकी। और इसके अलावा क्या लगा भाई? इसके अलावा डोर वाइजर लगा 6 पीस के साथ कंप्लीट अपना, यहाँ पे थ्रोम लाइनिंग मिल जाता है डेली होता। उतारो भाई इसकी पन्नी, उतारो जरा चेक करें क्वालिटी क्या है इसकी रियल में। ये देख रहे हो भाई आप, पूरा स्मोक ब्लैक अपना रहने वाला है और ऊपर इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। बाकी लुक्स काफ़ी अच्छी लगती है, इससे भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है। बैक प्रोफाइल में चलते हैं गाड़ी की, तो बैक प्रोफाइल में चलने से पहले आपको एक चीज़ मैं दिखा दूंगा, ये गाड़ी जो है अपना ऊंचा मॉडल है, बेस मॉडल नहीं है ये, क्योंकि इसमें आपको रियर वाइपर मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है। वेरिएंट सेलेक्ट रहने वाला जो अभी नया मॉडल आई है। हाँ, इसके अंदर हमने रिवर्स कैमरा डाला और पीछे की तरफ से अपना सेफ्टी गार्ड डाला है। बिल्कुल, और एक चीज और डाला जो बम्पर पट्टा बोलते हैं जिसको, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाता है, ये भी सेटिन सिल्वर में आता है। बिल्कुल, और इस पे फायदा क्या है भाई, जब सामान रखोगे ना डिग्गी में, रखते हो या उतारते हो, तो इस पे पेंट खराब नहीं होगा, स्क्रैच नहीं आएगा। बिल्कुल, पेंट खराब नहीं होगा इसका। बिल्कुल बढ़िया। तो भाई इतने कुछ काम है गाड़ी के एक्सटीरियर से, चलो लेके चलते हैं अंदर आ जाते हैं इंटीरियर में, जिसमें मेन काम है गाड़ी का, जो जान है गाड़ी की वो गाड़ी के इंटीरियर में है, जो आप अभी देख सकते हैं इंटीरियर में। डोर पे जहाँ पे आप हाथ रखते हो यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है आपको डबल स्टिचिंग के साथ। उसके बाद एमएन लाइट 6 पीस सेटअप रहने वाला पूरा कंप्लीट ये डैशबोर्ड और डोर के अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर मैट ब्लैक इनर हैंडल आता था, जिसके अंदर हमने सैटिन सिल्वर वाला टॉप मॉडल वाला इनर हैंडल डाल दिया। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता ऑटो फोल्ड मिरर था, अभी जो कंपनी से आया सिर्फ एडजस्टिंग आया हुआ, अगर आप ऑटो फोल्ड करवाते हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाता, अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, साथ में रिमोट के साथ भी वर्किंग करेगा। ठीक है, और क्या इसमें प्रोवाइड कर पाए भाई? इसके अंदर आप ग्लॉसी प्लेट चेंज करवा सकते हैं हम, जो इसमें लग्जरी मॉडल में, जो लग्जरी मॉडल में आता है। इसके अंदर आप स्विच भी अपग्रेड करवा सकते हो पियानो फिनिश के अंदर, इससे डोर का लुक और इनहेंस हो जाएगा। तो ये पूरी 1.7 लग्जरी बन सकती है। बाकी सनरूफ देख सकते हो कितना बड़ा इसमें आपको कंपनी देती है, पैनारोमिक सनरूफ है इसके अंदर। सीट कवर चेक करो आप, सीट कवर की लुक्स कैसी निकल रही है, बिल्कुल ही लग्जरी लुक्स है, जो कि आपको इसमें पंचिंग के साथ मिलती है, इसमें आपको पसीना नहीं आया। बीच में परफोरेशन मिल जाता, बाकी फुल्ली ऑफ व्हाइट सीट तो रहने वाला, लाइफ टाइम तो गारंटी रहने वाला। नीचे फ्लोर की बात करें, फ्लोर के अंदर हमने सबसे पहले चेक मैट की फ्लोरिंग किया, जो H2H फिटिंग के साथ आता है। 700 की आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है, वेलकम प्लेट, जिसमें आपको लाइट मिल जाती है देखने को। और इस पे आपको डैशबोर्ड की बात करते हैं, तो डैशबोर्ड में भी इसमें आप सॉफ्ट टच जो है करवा सकते हैं, जो कि इस गाड़ी में अभी नहीं हुआ है। हाँ, इस गाड़ी में हमने नहीं हुआ, बाकी हमने बहुत गाड़ी में किया है। उस तो भाई और बात कर लेते हैं इसमें और क्या काम है, तो थोड़ा सा काम और दिखाएंगे। स्टीयरिंग हमने किया फुल ब्लैक के अंदर, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता मून डिजाइन में करवा सकते हो। स्टेरिंग की बात करें, स्टेरिंग में अपना MID नहीं आता कंट्रोल, यहाँ पे आप MID बर्थिंग करवा सकते हो, जो अभी क्रूज लग जाएगा डमी, क्रूज लग जाएगा डमी, वहाँ पे MID बर्थिंग करेगा यहाँ पे, लेकिन वर्क नहीं होगा क्रूज, क्रूज वर्क नहीं होगा। तो भाई क्रूज अगर दोनों ऑप्शन मिल जाता आपको, ग्लॉसी और मैट ब्लैक, बढ़िया। बाकी इतने कुछ काम है गाड़ी में, कुछ और जो आपको बताता हूँ, जो आप काम करा सकते हो, कुछ लग्जरी में एसी बेंड चेंज करवा सकते हो, जो यहाँ पे थ्रोम फिनिश के अंदर आता है, जो टॉप वेरिएंट में आता है। सेंटर स्पीकर लगवा सकते हैं, सेंटर स्पीकर लगवा सकते हो, जाली तो ऑलरेडी कंपनी देती है इसके अंदर। बाकी ये आप सामने का पैनल ग्लॉस करवा सकते हो, जिससे लुक आपका और इनहेंस हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी इतने कुछ काम है गाड़ी में, इंटीरियर में यही सब काम है। ठीक है जी, बाकी बढ़िया भाई, इतने कुछ काम हुआ है गाड़ी में। अच्छा, इस टोटल काम में क्या बजट लग जाता है, कुछ आइडिया?
उलो उलो लेती है, इसका बजट पड़ा अपना 1.25 लाख रुपए समथिंग यही है, 1.25 लाख रुपए। तो भाई ऐसे काम के लिए आप लोग भी आ सकते हैं, ऑटो मैजिक कार डेकोर जो कि मिलता है आपको गरोल बाग में, और पूरी लोकेशन की गूगल मैप जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है मेरी वीडियो के। और बाकी एंड करते हैं वीडियो को, होप करता हूं आपको अच्छी लगेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट XUV मॉडिफिकेशन के लिए, गुड बाय।